सना बाजी, वो कासिम साहब आए आपसे मिलने। कासिम जी? कासिम साहब। अच्छा, तुम उनको बिठाओ, चाय कॉफी पूछो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। कासिम क्यों आए? काफी उदासी लग रही है इस घर के माहौल में। हमारे घर की खुशियों को तो जैसे नजर ही लग गई है, सब बदल गया। मंसूर अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है, लेकिन रिकवरी में तो टाइम लगेगा। ये सब कुछ उस कामरान की वजह से हुआ। कितनी आसानी से वो सबको बेवकूफ बनाता रहा, किसी को पता भी नहीं चला। कामी मामा की वजह से तो हम सबकी नजरों में मुजरिम बन गए। अरे नहीं नहीं इसमें आप लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना? कसूर तो उस कामरान का है जिसने आपके भरोसे, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। लेकिन वो बचेगा नहीं, he'll be arrested for sure। जी मुझे पता चला है कि वो सबीन भाभी के वालिद की खुदकुशी के पीछे नाजिया आंटी। जी, इन सब के पीछे मम्मा है। आज मम्मा की वजह से बड़े पापा इस दुनिया में नहीं है और बाबा भी इस हालत में। हैरत है, वो लगती तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं लगती। लेकिन मम्मा ने जो शराफत का नकाब ओढ़ा हुआ था ना अपने चेहरे पे, अब उतर गया और उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई, जिसको जानने के बाद ना बाबा उनसे ताल्लुक रखना चाहते हैं और ना ही हम। अरे आप रोइए मत, मेरा मकसद आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। आप संभालिए खुद को काइंडली। देखिए मैं इस तरह से बिन बुलाए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आपका एहसास मुझे यहाँ खींच रहा है और मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको रोना पड़ा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ कासिम, थैंक यू सो मच, आप मेरे यहाँ तक आए, इट मीन्स अ लॉट। आगा खानदान के लोग जो हैं वो अपनी दोस्ती अच्छी तरह निभाना जानते हैं, आखिर दम तक निभाते हैं। आपकी बातें हमेशा मेरे अंदर एतमाद लेकर आती हैं। चले मैं फिर अब चलता हूँ, इर्तिजा मेरा वेट कर रहा होगा। जी, जी। बता कर नहीं आया ना उसको एक्चुअली। चल ख्याल रखिए। ओके अल्लाह अल्लाह। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Hunt or any other update.